हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं नालदेहरा, बिकॉज पापा ने वहाँ पे कोई बहुत सुंदर सा पिकनिक स्पॉट देखा है। सो ही सेड कि आज मैं लेके जाता हूँ सारी फैमिली को, बट फैमिली का एक छोटा बच्चा सड़ कर बैठा है। कैन यू गेस हु? तो अभी हम पहुँचे हैं ढली के पास, एंड यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम लगा हुआ होता है अक्सर, बिकॉज आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। ढली विल सून हैव अ ब्रांड न्यू बस स्टैंड। ऑल्सो गाइस, ये डैश कैम की फुटेज है, ज़्यादा अच्छी नहीं आई तो आई अपोलोजाइज, क्योंकि ये दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और फिर है ये जूजू बच्चा, जिसके लिए मैं सीट हूँ। आई डोंट नो शी सीज मी एज अ सोफ़ा। ये देखो, सब जगह छोड़ के मेरे कंधे पे बैठी है, और ये हमेशा ऐसी ऑकवर्ड जगह पे बैठती है, एंड शी सो हैप्पी अबाउट इट। कभी कभी तो मेरी बाजू पे बैठ जाती है, और मेरी बाजू में ना लिटरल एंट्स फील होने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं बाजू सो जाती है ना, वैसा फील होने लगता है। हाँ गाइस, आपने देखा वो फॉर्च्यूनर ने कैसे ओवरटेक किया? प्लीज़ डोंट डू दैट इन हिल्स। डैश कैम आजकल इतना ज़रूरी होता जा रहा है ना। मैंने तो ये क्यूबो ब्रांड का लिया है, एंड अभी तो फ़िलहाल एक दो दिन ही चलाया है, सो आई एम जस्ट टेस्टिंग इट आउट कि कैसे क्या करना है। मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का। तो अभी हमने ढली क्रॉस किया है, एंड एक बच्चा सड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा काफ़ी एक्साइटेड है इधर उधर चीज़ें देखने के लिए। जूजू का ना हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू सी एंड ऑब्जर्व। ये रहा हमारा सड़ू बच्चा, जिसका मूड अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। फाइनली हम आ गए हैं नालदेहरा रोड पर, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। मैं इस रोड पर पहली बार ही आई हूँ, कैन यू बिलीव इट। वो भी हमारी है, एक्चुअली पराठे से नहीं दौड़ रही है, वी आर नॉट ओवर स्पीडिंग। ये वीडियो स्पीड अप किया मैंने, बिकॉज ये काफ़ी लंबा था, बट ये रास्ता इतना सुंदर था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू इंक्लूड इट। सो नॉर्मली जिसके पास ऑक्सिलरी वायर होती है, वो ट्रिप का कार का डीजे होता है, तो मेरे पास थी, बट स्टिल मैं अपनी पसंद से कोई सॉन्ग नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मेरी छोटी सिस डिमांड पर डिमांड कर रही थी, कभी ब्लैक पिंक, कभी कुछ। मतलब फिर हमें उसकी पसंद के ही सॉन्ग्स प्ले करने पड़े थ्रू आउट द ट्रिप, बट वी इंजॉयड दो सॉन्ग्स एज वेल, बिकॉज इतनी सुंदर जगह थी कि हमारा मूड वैसे ही बहुत अच्छा था, तो सब कुछ इंजॉय कर रहे थे हम। इतने लंबे सुनसान रोड पर मुश्किल से हमें एक आदमी पैदल चलता दिखा, लाइक लिटरली एक आदमी। इतना एम्प्टी रोड था, और सडनली वहाँ पे हमें ये कंस्ट्रक्शन का सामान दिखना शुरू हुआ, और हम सोच रहे थे कि इतने सुनसान रोड में कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिर आगे जाके हमें पता लगा कि यहाँ पर रोड बन रही थी, मेटलिंग हो रही थी, सारी रोड अच्छी पक्की हो रही थी।
20-30 मिनट्स इस रोड पर चलने के बाद मुझे तो लगा ये रोड कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी लंबी रोड है ये। और सडनली इतने सुनसान सड़क पे गेस व्हाट, हमें मिला ट्रैफिक जैम, विच वॉज प्रिटी सरप्राइजिंग। बट ये जो जैम था ना, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से था। फिर फाइनली काफ़ी रूट कवर करने के बाद हमें बिल्डिंग्स दिखने शुरू हुए, एंड गेस व्हाट, ये सारे हैं बड़े बड़े रिजॉर्ट्स एंड होटल्स। अभी हम पहुंचे हैं मासू हाउस, जो कि है नालदेहरा में। फिर हम यहाँ से भी आगे चले गए, बट यहाँ पे हमें थोड़े से कार्स तो दिख रहे थे एटलीस्ट चलते हुए। बट ये रोड भी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी, बट काफ़ी पतली थी, सो वी हैड टू बी अ लिटिल केयरफुल। नीचे हमने जाके देखा कि काफ़ी सारे गांव हैं और लोगों के घर हैं, तो वो देख के हमें थोड़ी सी शांति आई कि ओके, ये रोड बिल्कुल सुनसान नहीं है। इस एरिया में There's a mixture of residential houses, orchards, and very beautiful resorts. और यहाँ पर ना अभी इतने सुंदर घर बन रहे हैं ना कि I can't even tell you. और ये एरिया लगता ही नहीं कि शिमला होगा। इन सब रेजिडेंशियल एरिया को क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचे एक पिकनिक स्पॉट पर, एंड वी डिसाइडेड टू स्टॉप देयर, एंड हमने किया थोड़ा सा एक्सप्लोर। और वहां पे मुझे मिली ये सुंदर सी पाइन कोन विद लॉट्स ऑफ हेयर। मेरे बचपन में हम इनको पेंट करते थे और इनको घर में से जाते थे। देन आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग अ लिटिल मोर। यहाँ पे बहुत सुंदर से फ्लावर्स और बटरफ्लाइज और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, और स्काई भी काफ़ी क्लियर थी, तो काफ़ी अच्छा खिला दिन था। सी कितने सारे पाइन कोन पड़े हैं, बट मैक्सिमम में ना ग्लू निकल रही थी, मतलब ग्लू तो नहीं, रेजिन निकल रहा था चिपचिपा सा, सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू कैरी देम होम, क्योंकि वो रेजिन एक बार चिपक जाता है ना तो वो हटता नहीं है। ये जूजू कुछ एक्सप्लोर कर रही है, और ये जूजू की बड़ी बहन, शी इज़ ट्राइंग टू शेयर हर स्नैक्स विद एवरीबॉडी। तो हमारी आवाज़ सुन के ये तीन प्यारे प्यारे से फर बेबीज कहीं से निकल के आए, बट दे वर टू स्केर्ड, दे वॉन्टेड टू इंटरैक्ट, बट उनको डर भी लग रहा था इसलिए दे डिडंट इंटरैक्ट। टू दूर से ही वो हमें देख रहे थे और टेल वैग कर रहे थे। फिर हमें एक ट्री पे ये ओशो ऋषि वैली या विला नाम से एक पोर्ट दिखा, तो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर आगे जाके कि वहाँ पे असल में है क्या। और जितना हम नीचे जाते गए उतने ही व्यूज ज़्यादा सुंदर होते गए।
बट रोड काफ़ी पतली थी तो काफ़ी ध्यान से जाना पड़ रहा था निचली साइड। तो जाते जाते फिर हम पहुंचे इस विलेज में जिसका नाम है निहारी, और यहीं पे इस विलेज के एंट्री पॉइंट पे ही इतने सुंदर बड़े अपार्टमेंट्स बने थे। और यहाँ भी वी वर ग्रीटेड बाय दिस क्यूट क्यूट लिटिल फर बेबी जो कि हमें काफ़ी सेफ डिस्टेंस से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था। जस्ट लुक एट दिस अपार्टमेंट और मे बी अ रिजॉर्ट इट इज, आई एम नॉट श्योर। तो जूजू को फर बेबी दिख गया तो जूजू तो एज यूजुअल बौखला गई उसको देखकर। एंड देयर्स जूजू एंजॉयिंग द व्यूज। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा उतर के मैं सबको एक ग्लिम्प्स दिखाऊं। तो ये सब यहाँ से मेरी फैमिली मेंबर सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। मैंने बोला क्या है यार, मैं भी देखूँ ज़रा। तो मैंने देखा वहाँ पे नीचे थे गोभी के खेत, सो प्रिटी एंड सो ब्यूटिफुल। घर हो तो ऐसी जगह हो सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी, एंड अपनी खेती करने के लिए भी जगह हो, जस्ट वाओ। फिर हमें वहाँ पे ये बेरीज का वो दिखा प्लांट, और मुझे इस बेरी का नाम नहीं पता था और कुछ भी नहीं पता था। जूजू भी उन बेरीज को देख रही है कि हम क्या देख रहे हैं। तो इन बेरीज को बोलते हैं रसबेरी, और ये रसबेरी मैंने कभी ट्राई नहीं की। जूजू मेरे हाथ से छीनने की कोशिश कर रही है, बट डोंट वरी आई डिड नॉट फीड हर। तो फिर ये थी प्यारी सी ऑरेंज कलर की रसबेरी, अगर किसी को पहचान हो तो ही तोड़ के खाना है इसको। तो मैंने अपनी लाइफ में ये कभी नहीं खाई थी, बट मम्मा और सारे रिलेटिव्स मेरे सारे बड़े बोल रहे थे बहुत टेस्टी होती है, ट्राई करनी चाहिए। एंड मुझे ना खट्टी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आई वॉज लिटरली वेरी स्कैर्ड ऑफ ट्राइंग दीज क्योंकि मुझे खट्टी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैंने हिम्मत करके एक बाइट लिया, और ये ना पहले इनिशियली काफ़ी खट्टी थी, बट उसके बाद जो उसका आफ्टर टेस्ट था ना वो बहुत टेस्टी था। सो आई रियली लाइक दिस, मैंने फर्स्ट टाइम खाई। फिर वहाँ से हमने अपना खाना वाना खा खो के सब हम चल दिए वापस, एंड वही सुंदर सुंदर व्यूज हमने वापसी में भी इंजॉय किए। थोड़ा रुकते रुकाते डिफरेंट प्लेसेस पे गए, एंड इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम एक दो जगह और विजिट करते हैं जब इस रूट पर आए हैं। एंड फॉर सम रीजन माई हेयर वुड नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल, बट लेट्स नॉट लेट आवर हेयर रुइन आवर डे। जूजू को तो लग पड़ी थी गर्मी, तो हमने जूजू को किया कॉफी, एंड देन वी एंजॉयड आवर वे बैक। मैं व्यू एंजॉय कर रही थी और सडनली इतना बड़ा सा रोड रोलर दिखा साइड में। अब हम चल रहे हैं वापस धीरे धीरे, और अब हम जाएंगे एक और जगह में। You can't tell me that's not a happy fur baby. जूजू को कार राइड्स करने में और न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, वेर एज मेरे बाल वर जस्ट नॉट रेडी टू कोऑपरेट।
तो इसके बाद हम पहुंचे धीरे धीरे मशोबरा। फिर हम तलाई क्रॉस करके गए, इस हॉर्टिकल्चर का एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, वहाँ बिकॉज इनके गार्डन्स में और इनके एरिया में इतने सुंदर प्लांट्स होते हैं ना, इतना सुंदर फ्लोरा फौना होता है, देख के मज़ा आ जाता है। तो इनकी बिल्डिंग में मुझे यहाँ पे नेस्ट भी दिखा है ना, ये वेटेड सो हार्ड कि वो चिड़िया के बच्चे वहाँ से मुँह निकालेंगे, बट दे डिड नॉट, बोल रहे थे वो उस नेस्ट में। फिर हमने स्पॉट किया ये एक एप्पल ट्री जिसमें अभी छोटे छोटे से एप्पल लगे थे ग्रीन कलर के। फिर मेरी नज़र पड़ी इस बड़े से ट्री पे और ये सारी वो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं। फिर मैं गई इस बड़े ट्री को एक्सप्लोर करने, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये तो चेस्टनट का ट्री है। ये देखो गाइस, ये चेस्टनट फ्रूट भी गिरा हुआ है। मैंने चेस्टनट्स देखे हैं, खाए भी हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअल फ्रूट को गिरे हुए देखा है। तो ये जो सीड होता है ना चेस्टनट का फ्रूट, इसके ऊपर ये स्पाइकी सी कवरिंग होती है, एंड लुक्स पे मत जाना, ये बहुत बहुत ज़्यादा चुभने वाले होते हैं। मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से उठाया है इसलिए मुझे चुभा नहीं, बट जिन्होंने भी जोर से उठाया उन सबको चुभा। इट्स वेरी वेरी शार्प एंड नीडल लाइक। तो ये इसके अंदर से निकलते हैं ये चेस्टनट्स जो हम खाते हैं। ये जो जितने भी अभी इस टाइम पे नीचे गिरे हुए थे ना, दे वर आइदर डिस्कार्डेड वाले चेस्टनट्स जो कि डिफेक्टिव थे एंड लास्ट सीजन के होंगे ये, बिकॉज दे वर वेरी ड्राई, इनके अंदर कुछ भी नहीं था। बट दिस ट्रीज के नीचे जाते ही ना टेम्परेचर डिफरेंस बस क्रेजी, इसके नीचे इतना ठंडा था, एक तो शेड भी थी बहुत अच्छी। और ये ना मेरे मामू के हाथ पे वास्प बैठा है, मुझे तो इतना डर लगता है वास्प से। जब को मेरे कैमरे ने फोकस किया सैडली वो उड़ गया। ऐसा लग रहा है ये ट्री अपने नेक्स्ट फ्रूटिंग सीजन के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि ये इसमें ये कुछ फलियां टाइप सी लग चुकी हैं। इस ट्री का नाम था प्राइड ऑफ इंडिया, इसका साइंटिफिक नेम मैं भूल गई, बस वेरी वेरी सुंदर और मैंने ऐसे वाइट वाइट सी वुड थी इसकी, वेरी डिफरेंट। ये जगह मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पे आके ना इतनी सारी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स और कुछ ही डिफरेंट स्पीशीज का दिख जाता है। मैं रह गई थी थोड़ा सा पीछे, सो आई डिसाइडेड टू रश म्यूजिंग। सो मैं जल्दी जल्दी पहुंची इन प्यारे से फ्लावर्स के पास, एंड दे वर सो ब्यूटीफुल। और ये भी एक डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स थे, बट बहुत सुंदर थे। एंड वन लास्ट टाइम मैंने दोबारा से कैमरा इस नेस्ट की तरफ किया इन होप्स कि ये बर्ड या इसके बच्चे थोड़ा सा बाहर झांकेंगे, बट नहीं, आई वॉज आउट ऑफ लक। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे तलाई पे, और ये है हमारी मशहूर मशहूर तलाई जो कि बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट है। तो हमने यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पी, एंड सडनली मेरी नज़र इस क्रो पे गई जो कि कुछ लेके उड़ गया ट्री के ऊपर। आई रियली रियली फाइंड क्रोज सो इंटरेस्टिंग, और मेरा ड्रीम है एक से दोस्ती करनी, बस एक से। फिर आई स्पॉटेड दिस प्रिटी प्रिटी बटरफ्लाई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पर चलो कोई बात नहीं। फिर हम चलते हैं यहाँ से वापस, एंड एज यू कैन सी मेरे पास तो मेरा पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम था जिसने खूब गाने गाए एंड हमें एंटरटेन किया। उसके बाद हम लंच करने रुके द रॉकी नॉप पे। अगर आप लोकल हैं तो आपके लिए ये मंकी गिव अवे होगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये नवभार रोड पर सिचुएटेड है। यहाँ से गाइस व्यूज देखो कितना सुंदर दिखता है, संजोली
मलियाना एंड वो सारे एरियाज यहाँ से नज़र आते हैं। एंड अंदर से ये रेस्टोरेंट होटल इतना सुंदर है, इसमें इतना प्यारा वुडवर्क हो रखा है एंड जस्ट लुक एट दैट लिफ्ट, दैट्स अ वाइब। जस्ट लुक एट दैट फ्लाई एंजॉयिंग द व्यूज एज वेल। गाइस ये वुडवर्क और आर्ट वर्क देखो, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कितना खर्चा और कितना मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, लाइक जस्ट वाओ, इट्स सो इंट्रिकेट। सो माय लिटिल सिस्टर डिड दिस ट्रिक विद हर सनीज एंड उसके बाद उसने यही कर करके जो मेरा दिमाग खाया एंड देन उसने मेरे साथ ये किया ना, इमिजिएटली आई वाज लाइक नो। उतनी देर में आ गया हमारा टेस्टी टेस्टी फूड। एंड गाइस मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, पहले भी खा चुकी हूँ, यहाँ की प्रिपरेशन इज रियली रियली गुड, इट्स जस्ट लाइक घर का खाना है, कोई फैंसी होटल का नहीं है एंड इट्स जस्ट वेरी टेस्टी। तो हमने दो टाइप की दाल ऑर्डर की थी, येलो दाल एंड दाल मखनी, देन वी हैड सम जीरा राइस और साथ में पनीर की भुर्जी एंड मिक्स्ड वेज, वेरी बेसिक थिंग्स वी हैड ऑर्डर्ड एंड एवरीथिंग वाज जस्ट टू गुड। जो पनीर की भुर्जी थी ना, इट वाज जस्ट लाइक घर का पनीर जो भुर्जी बनती है, डिलिशियस। वी enjoy the food and मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, but I ate something different, but वो भी काफ़ी अच्छा था and ये भी काफ़ी अच्छा था and काफ़ी affordable था खाना। and then खाने पीने के बाद time था वापस घर जाने का, तो हमने मारी थोड़ी गप्पे and then we got up, I explored the area a little more and then we went back home. गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हियर आर सम मोर वीडियोस दैट आई थिंक यू विल लव एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।